वेलकम बैक टू रिया अनदर व्लॉग एंड वीकेंड व्लॉग सैटरडे व्लॉग। तो जी देखें, अभी हमारी मैट आ गई है। आंटी जी काम कर रही है और यहाँ हमारी बेटी खड़ी हुई अपनी मसरूफियात में बिजी है। सफाई वफाई हो जाती है, फिर ये बेड की चादर सही करते हैं। अभी मैं जा रही हूँ चर्च की नमाज़ पढ़ने, सुबह के 11 बज रहे हैं। फिर थोड़ा सी पारा पढ़ूंगी, कमरा से मीटिंग है। देखें कमरा कितना बिखरा हुआ हो रहा है। आपसे मिलते हैं। आपको एक चीज़ दिखाती हूँ एवरीवन, देखें आटे के अंदर हम मिलावट देखें कितनी आ रही है, ये देखें। क्योंकि आटा आपको पता है शॉर्ट है, कितनी मुश्किल से ढूंढ डाल के तो मिल रहा है। अब मैं दिखाती हूँ इसके अंदर कितनी मिलावट है। देखें इसके अंदर मिलावट देखें, ये देखें भूसी देखें। ये देखिए भूसी और मिलावट, एक भी भून गया हमारा आटा। मतलब हम उसको रखने लगे फिर इसमें, ये आलू कट गए और अभी बेसन घोलते हैं। क्या हुआ? टीवी बंद कर दो। हाँ आलू के पकोड़ों के लिए बेसन, आलू यहाँ कट कर दिए हैं गोल शेप में, और ये बेसन के इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको दिखाए थे। ये बेसन में बना रही हूँ और देखें बेसन को जितना अच्छा बीट करेंगे ना पकोड़े के पीछे बनते हैं आपके। और हमारे जो ना ये चम्मच वगैरह जो भी इसके वो होते हैं ना स्टैंड, उससे यूज़ नहीं होता, हाथ से सबसे अच्छा अच्छा बीट करते हैं और हाथ को ही रिकमेंड करते हैं। क्योंकि मैं तो जब तक कुकिंग में अपना हाथ ना लगाऊँ मुझे तो लगता ही नहीं कुकिंग हुई है। क्या है? ये शामी कबाब है, अभी बॉयल आ रहा है ना तो गोश्त का फेना आ रहा है ऊपर। बच्चे सिपारा पड़ रहे हैं, आवाज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ये देखें जी कबाब है, शामी कबाब का मसाला जो पीसा है
अभी शाम में या किसी भी टाइम इसका कबाब बनेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये रेडी टू ईट है। दूसरी तरफ हम पकोड़े बना रहे हैं शाम, अब क्योंकि अफ्तार का टाइम करीब है। ये देखिए कढ़ाई में एक लेयर डल चुकी है। थर्ड वन माश की दाल है, बेहतरीन सी, देखिए